दोस्तों अभी अभी हमने कंप्लीट किया है हमारा पहला चैप्टर। अब क्या करेंगे, इस पहले चैप्टर के कुछ सवाल देखते हैं। कितने सवाल दिखाऊंगा, लगभग 63 क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन रेफ्रिजरेंट के भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफ्रिजरेंट 7वें चैप्टर में है, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। पर फिर भी मैं यहाँ पर सवाल उसके करवाऊँगा ताकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं पहला सवाल इसका स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से किस रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ऑप्शन ए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर, या ऑप्शन डी जो है आपका उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो किसका यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया है कि भी रेफ्रिजरेटर का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से है, ठीक है। कौन कौन से डोमेस्टिक है, उसके बाद जो फ्रॉस्ट फ्री था, और तीसरा कौन सा, तो आपका जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल था। तो डोमेस्टिक के अंदर किसका यूज़ किया जाता, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का। फ्रॉस्ट फ्री के अंदर किसका नाम आता है, डबल डोर और ट्रिपल डोर का। तो बी और सी दोनों किसके अंदर है, फ्रॉस्ट फ्री के अंदर है। जब बी और सी दोनों गलत है तो डी ऑप्शन तो वैसे भी ठीक नहीं हो सकता, तो क्या बचा ए। और वैसे भी आपको पता है कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होगा उसके अंदर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का ही उपयोग किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर ए, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि भाई सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है कम मात्रा में पानी ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करना कम अमाउंट के अंदर। ऑप्शन बी है आइसक्रीम जमाने के लिए, कि भाई आपको आइसक्रीम बनानी है उसके लिए। ऑप्शन सी है जनरल स्टोरेज में, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अच्छा, मैंने सुना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जो हूँ अभी आपको हिंदी के अंदर क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बोला ये कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का उपयोग जो है वो प्रयोग जो है, मतलब कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। प्रयोग समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो प्रयोग कहा जाता है यूज़ को, ठीक है। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों, मतलब वाई, तो क्यों यूज़ किया जाता है, एक ही बात हो, इतना तो क्यों तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को। ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे कि कम मात्रा में पानी को आपको ठंडा करना है, मतलब आपको पानी को ठंडा, पानी मतलब वाटर, ठंडा करना मतलब कूल, और कम मात्रा मतलब लिटिल अमाउंट के अंदर, ठीक है। अ फ्यू अमाउंट, थोड़े अमाउंट के अंदर पानी को, वाटर को कूल करने के लिए। दूसरा आता है आइसक्रीम जमाने में, तो मतलब टू मेक द आइसक्रीम, आइसक्रीम जमाने के लिए। तीसरा आ जाए जनरल स्टोर में, तो जनरल स्टोरेज के लिए। फोर्थ आ रहा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इन तीनों कामों में यूज़ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, रेफ्रिजरेटर का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए क्रिस्पर, ऑप्शन बी फ्रीजर, ऑप्शन सी सेल्फ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीजर, क्या कहा जाता है उसको, फ्रीजर ही तो कहा जाता है। और लोअर मोस्ट को क्या कहा जाता है, क्रिस्पर कहा जाता है। फ्रीजर आइस जमाने के लिए, बर्फ़ जमाने के लिए, आइसक्रीम के लिए यूज़ आता है, और क्रिस्पर सब्जी रखने के लिए, फ्रूट रखने के लिए यूज़ आता है, और बीच में सेल्फ्स होती हैं जो आपके अलग खाद्य पदार्थ हैं उन सब के लिए यूज होती है, ठीक है। थर्ड का आंसर हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। ऑप्शन ए रोटरी टाइप, रोटरी टाइप तो रोटरी टाइप ही रहेगा। ऑप्शन बी हर्मेटिक, ऑप्शन डी सेमी हर्मेटिक, एंड ऑप्शन डी सर्कुलर। तो जो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो कैसा होता है आपका दोस्तों, वो होता है आपका रोटरी टाइप कंप्रेसर, ठीक है। क्या होता है, अगला चैप्टर आने वाला है हमारा, अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रोटरी टाइप कंप्रेसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 5वां सवाल देखें, घरेलू रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के नीचे जो लगी ट्रे है वो क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्रिस्पर, ऑप्शन बी है सेल्फ, ऑप्शन डी है चिल्ट्रे,
ठीक है, और जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के नीचे जो लगी ट्रे होती है उसको चिल ट्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिल ट्रे, वो एकदम ठंडी रहती है हमेशा, चिल वाली है ना, तो इसलिए उसको चिल ट्रे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है कि रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर द्वारा उत्पन्न ठंडी वायु को अधिक समय तक रेफ्रिजरेटेड स्पेस में रखने के लिए क्या लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए, इसका आंसर सुनिएगा, ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटेड डोर, ऑप्शन बी है थर्मोस्टेट, ऑप्शन सी है कैपिलरी ट्यूब, या ऑप्शन डी है सेल्फ। ये पूछना चाह रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन के सवाल ये है इनका कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग ठंड जल्दी ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए क्या रखा जाता है, क्या लगाया जाता है। वो ऐसा होता है ना, लाइट चली जाती फिर भी अंदर कूलिंग बनी हुई, क्या लगाया जाता है? दरवाज़ा लगाया जाता है, और क्या लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है रेफ्रिजरेटर डोर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सातवें सवाल पे चलता हूँ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस में आपको। सातवां सवाल, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट के दाब में आने वाली कमी निर्भर करती है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है अगर उसके प्रेशर के अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए कैपिलरी ट्यूब की लेंथ पर, ऑप्शन बी कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर पे, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो किस पर डिपेंड करता है? कल जब मैंने कैपिलरी ट्यूब पढ़ाई थी आप लोगों को तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेंट का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो हमेशा डिपेंड करता है किन चीज़ों के ऊपर? एक तो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ पर, और उसके व्यास की, व्यास कितना बताया था 0.5 mm बताया था मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होने वाली कैपिलरी ट्यूब का व्यास पर। इसको ज़्यादा छोटी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर जम गया तो रेफ्रिजरेशन फ्लो होने में आपको परेशानी आ जाएगी, तो इसलिए कम व्यास वाली यूज़ नहीं की जाती। तो लंबाई भी इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है, और इसके साथ साथ इसकी जो डायमीटर है उसका भी ज़्यादा कम यूज़ नहीं किया जाता। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है क्या? कैपिलरी ट्यूब प्रेशर ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। तो सातवें सवाल का आंसर क्या हो गया? सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर एट, ताज़ा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से कौन सा तापमान उपयुक्त है? मतलब कि जो आपके फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा टेम्परेचर है जो सही है? ऑप्शन ए है 0 से 4 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री से 8 डिग्री, ऑप्शन सी है 8 डिग्री से 12 डिग्री। तो बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी भी पढ़ लेता हूँ, इनमें से कोई नहीं। 0 से 4 डिग्री, पहला दिन रेफ्रिजरेटर, मतलब कि कल जब हमने स्टार्ट किया था उसका पहला चैप्टर मैंने बताया था 0 से 4 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 0 से 4 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रेफ्रिजरेटर के सबसे अधिक ठंडे भाग को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रीजर, ऑप्शन बी सेल्फ, ऑप्शन सी क्रिस्पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर का जो सबसे अधिक ठंडा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्पर नहीं कहते हैं। शेल्फ्स क्या यूज़ होती हैं? भाई खाद्य पदार्थ रखने के लिए एडजस्टेबल होती हैं। फ्रीजर सबसे ऊपर का अपर मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे बर्फ़ जमाई जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? कूलेस्ट पार्ट ऑफ, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ ए फ्रिज। ठीक है, तो ए जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलो दसवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षमता के रेफ्रिजरेटर सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए 65 से 390 लीटर के, ऑप्शन बी 90 से 390 लीटर के, ऑप्शन सी 180 से 490 लीटर के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से हैं? 65 लीटर या 70 लीटर जो होता है उससे 400 लीटर या 390 लीटर तक के। तो 65 लीटर से 390 लीटर तक के जो रेफ्रिजरेटर हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक प्रैक्टिकल डेटा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है आंसर। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन, निम्न में से स्टार्टिंग रिले का क्या काम है? जो स्टार्टिंग रिले है वो किस काम में आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। पहला मोटर को स्टार्ट करने में, दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाने में, तीसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने में, या चौथा उपरोक्त सभी। तो स्टार्टिंग रिले का क्या क्या काम था? स्टार्टिंग टॉर्क मोटर को यही प्रोवाइड करवाती थी, बिल्कुल सही बात है। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सॉरी दूसरा ऑप्शन स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना,
जो पहला ऑप्शन है कि मोटर को स्टार्ट करने में नाम ही क्या है इसका, स्टार्टिंग रिले काम किस लिए आता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है, तो पहला ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग वाइंडिंग से असंबंध यानी डिस्कनेक्ट करने में, तो बिल्कुल सही बात है। जब स्पीड 75% या 70% पहुँच जाती है तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और मेन वाइंडिंग जो है उसकी मेन वाइंडिंग के ऊपर अब वो मोटर जो है स्प्लिट फेज मोटर आपकी कार्य करने लग जाती है। तो ये क्या हो गया आपका 11th का आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, रेफ्रिजरेटर की क्षमता दर्शाई जाती है। ध्यान रखिएगा अब ध्यान से, ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर या यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट नहीं पूछ रहे हैं, ये यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज शोन इन ऑप्शन वन लीटर्स, ऑप्शन बी टन, ऑप्शन सी किलोग्राम एंड ऑप्शन डी, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको टन लिख के आते हैं और जो जवाब बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है रेफ्रिजरेटर की ये दिखाई जाती है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है दिखाई जाती है लीटर्स के अंदर, किसके अंदर, लीटर्स के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है ना कि ऑप्शन बी। हाँ, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन यदि पूछा जाता कि भाई इनमें से यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कौन सी, रेफ्रिजरेशन की इकाई कौन सी है, क्षमता नहीं कैपेसिटी नहीं इकाई पूछा जाता, तब मैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के साथ जाना प्रेफर करता और वही मेरा सही जवाब होता। इसलिए तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड के अंदर, मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो हमेशा विज़न अपना क्लियर रखें। तो ऑप्शन नंबर ए 12वें सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रोजन फूड चेस्ट में ठंडक वाले स्थान पर, ठीक है, इनमें से किस कारण से बर्फ़ जमा हो जाती है। सीधी सी बात है, जो फ्रीज़र है, जो फ्रोजन फूड चेस्ट बोल दो या फ्रीज़र बोल दो, उसके अंदर बर्फ़ जमा हो जाती है, मैं अभी बता ही रहा था। तो ऐसा होता क्यों है, ऑप्शन ए है कि नमी के, वायु के अंदर जो नमी है उसके एक्सपेंड होने से, ऑप्शन बी है वायु के अंदर जो नमी है उसके कंडेंस होने से, ऑप्शन सी है ठंडक के कम हो जाने से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बात बताइए, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो ये बोलता है कि ठंडक के कम हो जाने से बर्फ़ जमती है। ठंडक का कम हो जाना मतलब गर्मी का बढ़ जाना। तो क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कभी गर्मी बढ़ जाए और बर्फ़ जमे, नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन को हटा दो, चाकू लेके काट दो, बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वायु का एक्सपेंड होना, वायु के अंदर जो नमी है उसका एक्सपेंड होना, और ऑप्शन नंबर बी कंडेंस होना। देखिए, वायु के अंदर जो वेपर प्रेजेंट है, जो नमी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो एज अ गैस प्रेजेंट है। जब तक ये गैस कंडेंस नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये अपनी फेज के अंदर चेंज नहीं करेगी। अगर ये फेज के अंदर अपने चेंज नहीं करेगी तो जमेगी कैसे, ऐसा तो है नहीं कि हवा चल रही थी जम गई, ऐसा तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हवा पहले किसके अंदर, भाई जो वेपर है, वेपर किसके अंदर, पहले द्रव के अंदर कन्वर्ट हुई होगी, उसके बाद जमी होगी। तो क्या रीज़न हुआ कि पहले हवा के अंदर जो नमी है वो क्या होगी, संघनित होगी, और दूसरी जो बात है वो क्या कहती है, दूसरी बात कि वो फिर जम जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 13वें सवाल का वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 13वें सवाल का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, थर्मोस्टेट का जो थर्मल बल्ब है वो कहाँ पर फिट रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसर पे, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेसर पे, ऑप्शन नंबर सी फ्रीजिंग पर, और ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेसर, इवेपोरेटर पे। तो किस पे फिट रहता है बताएं ज़रा, थर्मोस्टेट का जो थर्मल बल्ब था वो कहाँ पे फिट था, इवेपोरेटर पर फिट था। कहाँ पर फिट था, इवेपोरेटर पर फिट था, और इवेपोरेटर में कहाँ पे फिट रहता है, फ्रीजिंग कॉइल पर फिट रहता है। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ अगर इवेपोरेटर पूछा है तो इवेपोरेटर पर, ठीक है, और ऑप्शन जो सी दे रखा है आपको फ्रीजिंग दे रखा है ऑप्शन सी, तो वो गलत है, ठीक है। फ्रीजिंग कॉइल लिखा होता तो ऑप्शन आंसर हो जाता फ्रीजिंग कॉइल। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट है, इसका डी आंसर करेक्ट है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखें, पंद्रहवा सवाल, रिले का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे रिले का उपयोग किया जाता है, कंप्रेशर के अंदर, कैपिलरी ट्यूब में, इवेपोरेटर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, रिले का जो उपयोग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है।
भाई सीधी सी बात है, स्टार्टिंग रिले का उपयोग होता है कंप्रेशर के अंदर, कंप्रेशर को स्टार्ट कराने के लिए। कैसे? मोटर को स्टार्ट कराएगा, मोटर किससे कनेक्टेड होगा? कंप्रेसर से कनेक्टेड होगा। तो कंप्रेसर स्टार्टिंग रिले के थ्रू ही इनडायरेक्टली क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग रिले के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, कंप्रेसर रिले का उपयोग होता है कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, चलिए अब 16वां सवाल देखें। फ्रीजर पर अधिक फ्रॉस्टिंग निम्न में से किसका कार्य करती है? अच्छा सवाल है कि यदि फ्रीजर के अंदर अधिक फ्रॉस्टिंग होना मतलब क्या है, ज्यादा बर्फ जमा हो गई है, तो वो जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसका काम कर रही है? अचालक यानी कि बैड कंडक्टर का, ऑप्शन बी सुचालक का यानी कि कंडक्टर का, सी है प्रशीतक का, और डी है शीतलन का। बताएं जरा क्या आंसर होगा, यदि फ्रीजर के ऊपर बर्फ ज्यादा जम जाए तो वो कैसे काम करेगी? अचालक, ऊष्मा का क्या बन जाएगा? अचालक, कुचालक हो जाएगा या बैड कंडक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई, हीट को छोड़ो, जो कूलिंग इफेक्ट है उसको नीचे तक पहुंचने नहीं दे रही वो बर्फ। ठीक, अगर वो चालक होती तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आता, बर्फ में से निकला, उससे मिलता हुआ जाता और ठंडा होता और फिर नीचे जाता, फिर तो हम क्या करते, फ्रिज के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों के बर्फ बना देते, हिमालयाज जो थे, ठीक है, या और कोई जो भी है अपने, वो सब अपने फ्रिज के अंदर होते अगर ऐसा होने लगता। पर बर्फ़ जो बन जाती है वो एज ए इंसुलेटर मटेरियल या अचालक जो होता है, अचालक की तरह कार्य करने लग जाती है। जब वो अचालक की तरह कार्य कर रही है, कुचालक की तरह कार्य कर रही है, तो वो रेफ्रिजरेंट को आगे कार्य नहीं करने देगी, आगे उसको फैलने नहीं देगी, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रिज की कूलिंग कम हो जाएगी, फ्रिज आपका ख़राब हो जाएगा। कैसे बचे? डिफ्रॉस्ट करके बचे। चलो 17वां सवाल, पीटीसी रिले। 17वां सवाल है कि पीटीसी रिले के अंदर क्या लगी होती है? ऑप्शन ए है सिरेमिक प्लेट, ऑप्शन बी है धातु की प्लेट, ऑप्शन सी है बेकेलाइट प्लेट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पीटीसी रिले के अंदर क्या लगी होती है? सिरेमिक प्लेट लगी होती है। ये जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये पीटीसी रिले जो है ये होता क्या है, कि भाई ये रिले एक्चुअली, भाई सीधी सी बात है कि ये एक तरह का एक तरह का रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर परिपथ में एक स्टार्टिंग के लिए प्रयोग होने वाला रिले होता है। भाई सारे रिले जो जैसे स्टार्टिंग रिले है, वैसे ही आपका क्या है, पीटीसी रिले। तो पीटीसी रिले भी क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के लिए यूज़ होने वाला एक रिले होता है। ठीक है, पीटीसी रिले में एक सॉलिड सिरेमिक प्लेट होती है जो 30 ओम तक कंप्रेसर को धारा प्रवाहित करता रहता है, करंट जो है फ्लो करवाता रहता है। जब कंप्रेसर अपनी स्पीड प्राप्त कर लेता है तो सिरेमिक सामग्री गर्म होकर उसका प्रतिरोध बढ़ाकर लगभग 30,000 ओम तक कर देती है, तब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये जो पीटीसी रिले होती है, इसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है, सिरेमिक प्लेट का उपयोग किया जा रहा है। और अगर मैं नॉर्मल रिले की बात करता हूँ, जिसके अंदर करंट कॉइल रिले यूज होती है, जो करंट कॉइल रिले होती है, तो वो शोर भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्यों शोर करते हैं? क्योंकि इसके कुछ भाग मूव करते हैं। पहले बताइए पीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पॉजिटिव, एक तो पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर, पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है, तो 17th का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगी होती है एक सिरेमिक प्लेट। अठारवा सवाल, एक्सपेंशन वॉल्व का क्या कार्य है? एक्सपेंशन वॉल्व क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए दिख रहा होगा आप लोगों को, रेफ्रिजरेंट का दाब कम करना, ऑप्शन बी इवेपोरेटर को सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी उच्च तथा निम्न साइड का प्रेशर बनाए रखना, मतलब हाई और लो साइड जो है प्रेशर को मेंटेन करके रख रहा है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, उच्च तथा निम्न साइड जो है प्रेशर बनाए रखता है, जो कि आपको कहाँ पे दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई देगा। तो 18वें सवाल का जवाब क्या हो गया, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी 18वें सवाल का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सक्शन लाइन तथा लिक्विड लाइन के साथ लगाई जाने वाली युक्ति कौन सी होती है? भाई सक्शन लाइन और लिक्विड लाइन के साथ किसको लगाया जाता था, याद किया जाए तो हमेशा और हमेशा हीट एक्सचेंजर को, किसको, हीट एक्सचेंजर को ही लगाया जाता है। तो आप इसको चाहें तो नोट में भी लिख सकते हैं कि सक्शन और
सक्शन तथा लिक्विड लाइन के साथ लगाई जाने वाली युक्ति क्या है आपकी? हीट एक्सचेंजर है। क्या है? वन एंड ओनली हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन मैंने पढ़े नहीं, पहला था थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी था ओवरलोड प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी था हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन डी था स्प्लिट फेस मोटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। सवाल पूछा है कि जो डायग्राम है ये किस चीज़ का है, तो इस डायग्राम को याद कर लीजिए, देख लीजिए डायग्राम किस चीज़ का है। यह है बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट का। ये बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट जो है ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो डिवाइस है, टर्मिनल पेपर के साथ हमेशा एक सील्ड बॉक्स के अंदर रहता है। किसके साथ रहता है? टर्मिनल पेपर के साथ हमेशा, लिख दीजिएगा इसको, सॉरी टर्मिनल पेयर के साथ, पेपर नहीं है, टर्मिनल पेयर के साथ, अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, कहाँ रहता है? एक सील्ड बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है। एक और बात आती है इसके अंदर कि ये धूल और नमी रहित होगा, मतलब ना इसके अंदर धूल पहुँचेगी ना इसके अंदर नमी पहुँचने वाली है, ठीक है। ये इवेपोरेटिंग कॉइल के आउटलेट पर लगा रहता है तथा टाइमर द्वारा डीफ्रॉस्ट हीटर को नियंत्रित करता है, जो डीफ्रॉस्ट हीटर होता है उसको नियंत्रित करता है। तो सबसे पहली बात आती है लगा कहाँ रहता है, ये इवेपोरेटर, ये इवेपोरेटर कॉइल के आउटलेट पर लगा हुआ है, आउटलेट पर लगा होता है, और जो आपका डीफ्रॉस्ट हीटर है, ये डीफ्रॉस्ट हीटर को भी यही नियंत्रित करता है। क्या करता है? डीफ्रॉस्ट हीटर को भी यही नियंत्रित करता है, लिख लेना, ठीक है। अब जो एक और पॉइंट आता है इसके बारे में वो है कि जब इवेपोरेटर का टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, मतलब -80, मान लिया कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया, उस वक्त जो कॉन्टैक्ट बंद करता है वो यही करता है। जब नेगेटिव टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज कर देगा, तो कंप्रेशर क्या काम करेगा, चलना बंद कर देगा। और जब पॉजिटिव 13 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल या ज़्यादा हो जाता है तो ये वापस क्या कर देता है, कॉन्टैक्ट को बढ़ा देता है और कंप्रेशर आपका दोबारा से चलना कार्य कर देगा। और डायग्राम आप लोगों को इसका दिख ही रहा होगा किस प्रकार का है, तो इसको क्या कहा जाता है, बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट। बाई मेटेलिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो मेटल से बनकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिखेगा ए के अंदर ही, पहला दे रखा है बाईमेटेलिक, दूसरा हीट एक्सचेंजर, तीसरा स्प्लिट फेज मोटर, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहा जाता है बाईमेटेलिक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 ही था वो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि स्प्लिट फेज मोटर के स्टेटर पे लगी जो वाइंडिंग की संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए स्प्लिट फेज मोटर कैसी है, अभी जो अगला क्वेश्चन है वो यही है, इसलिए बना ही देता हूँ डायग्राम, इस प्रकार की थी, सीधी थी पर, ठीक है। क्या लगी हुई थी, ये बीच में रोटर लगी हुई थी, ठीक है, और ये टर्मिनल पूरा क्लोज था। ये क्या थी आपकी मेन वाइंडिंग और ये थी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये क्या है आपकी स्प्लिट फेज मोटर है। तो सवाल यही है, सवाल है कि स्प्लिट फेज मोटर के स्टेटर पे लगी वाइंडिंग की संख्या कितनी है। तो दो होती हैं, दो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी मेन वाइंडिंग और जो दूसरी है वो कौन सी होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये दो वाइंडिंग लगी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, क्वेश्चन नंबर 22वां है, नीचे दिए गए चित्र के अंदर क्या प्रदर्शित हुआ, और यही चित्र है,
देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा चित्र, ये किसका डायग्राम है? ऑप्शन ए ओवरलेड प्रोटेक्टर का, ऑप्शन बी थर्मोस्टेट स्विच का, ऑप्शन सी है स्प्लिट फेज मोटर का, ऑप्शन डी है डबल फेज मोटर का। तो ये है स्प्लिट फेज मोटर का चित्र, आप जानते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 23वें सवाल पे। आसान था ना सवाल? तो क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में निम्न में से किस प्रकार के कंडेंसर लगे होते हैं? जो आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर हैं या ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर हैं, उनके अंदर किस प्रकार के जो हैं आपके कंडेंसर लगे होते हैं? ऑप्शन ए है प्लेट कंडेंसर, प्लेट इवेपोरेटर लगा हुआ होता है, प्लेट कंडेंसर नहीं। ऑप्शन बी है फिंड कॉइल कंडेंसर, भाई ऐसे कंडेंसर जिनके ऊपर फिंड लगी हुई है, फिन कॉइल कंडेंसर। ऑप्शन सी है वायर मेश कंडेंसर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस चीज़ को आप नोट में लिखेंगे कि जो आपके ये होते हैं ना, कौन से रेफ्रिजरेटर हैं ये, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, इनके अंदर फिंड कॉइल कंडेंसर लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? फिंड कॉइल कंडेंसर लगे हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका आंसर क्या है? बी है। चलो 24वां सवाल देखो। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर के साथ कंडेंसर फैन लगे होने का कारण क्या है? ठीक है, इसका क्या लाभ मिलता है? सवाल है कि जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर कंडेंसर के साथ कंडेंसर फैन इंस्टॉल करने का क्या एडवांटेज है? ऑप्शन ए हीट ट्रांसफर में फ़ायदा मिलता है, ऑप्शन बी है जो शीतलन स्थान की क्षमता में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फैन लगाने का एक ही मोटिव होता है जिसको कहा जाता है हीट ट्रांसफर के अंदर फ़ायदा मिलना, हीट ट्रांसफर कैपेसिटी इंक्रीज होना। कैसे? कि जब आप फैन लगाते हैं किसी में, आपने कभी देखा है, एक चीज़ फील करी होगी आप गर्मियों में, जब पसीनों से आकर कभी टेबल फ़ैन या फ़ैन के नीचे बैठते हैं, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, आप पूरे पसीनों में भीगे हुए हैं, तो आपको उस फ़ैन की हवा जो है वो ठंडी लगेगी। ऐसा होता है ना? अब आप एक और चीज़ देखिए, जब आप लू वगैरह नहीं चल रही हैं नॉर्मल में, आपको धूप तेज़ लग रही है, गर्मी तेज़ लग रही है, आप बाइक के ऊपर जब आप चलना स्टार्ट करते हैं, स्कूटर पर तेज़ चलना स्टार्ट करते हैं, तो आपको आने वाली हवा कैसी लगती है? ठंडी हवा लगती है। जबकि आप जब खड़े हुए थे तब आपको वो हवा ठंडी नहीं लग रही थी। तो ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में तीन मोड होते हैं, किसके? ऊष्मा स्थानांतरण के, जिसको कहा जाता है, एक तो होता है चालन, एक होता है संवहन, और एक होता है विकिरण, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये जो पंखा चलाना किसी चीज़ पे, ये संवहन का एक एग्जांपल होता है, जो कन्वेक्शन होता है ना, कन्वेक्शन का एक एग्जांपल होता है। और कन्वेक्शन के अंदर कौन सा? फ्री नहीं, फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो आप जानबूझ के करवा रहे हैं किसी डिवाइस से, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके आप क्या करवा रहे हैं? अपने आप को ठंडक, अपने आपको कंफर्ट महसूस करवाना चाह रहे हैं। यही चीज़ हम फ्रिज के अंदर कर रहे हैं। इसके कंडेंसर में हमने कंडेंसर फैन लगा रखा है ताकि जो ऊष्मा मुक्त हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए और बाहर की तरफ फिकती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो हम क्या करवा रहे हैं? हीट ट्रांसफर के अंदर इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊष्मा जो है बाहर जल्दी जल्दी जाएगी, उतनी ज़्यादा वो अंदर से मुक्त करता जाएगा और सिस्टम क्या करेगा? तेज़ी से काम करेगा। इसलिए यहाँ पर फैन लगाए जाते हैं। तो क्या रीज़न हुआ? ऊष्मा का स्थानांतरण होना, 24वां सवाल था, ऊष्मा स्थानांतरण की क्षमता में वृद्धि करवाने के लिए इसका ये उपयोग किया जाता है। तो 24वें का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो 25वां सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, चित्र में प्रदर्शित, अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, चित्र में प्रदर्शित डबल डोर रेफ्रिजरेटर के एक्स भागों की पहचान कीजिए। ठीक है, एक्स भाग देखिए यहाँ पे, इसको दिख रखा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। तो ये एक्स क्या है? ऑप्शन ए क्रिस्पर है, क्रिस्पर सबसे नीचे होता है। ऑप्शन बी फ्रीजर, फ्रीजर सबसे ऊपर होता है, ये फ्रीजर से नीचे है। ऑप्शन सी है मीटर रिपर, तो ये मीटर रिपर नहीं है, ये है आपका एयर डक्ट, जो कि आपको ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। तो इट इज़ योर एयर डक्ट दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस कारण से फैन मोटर रेफ्रिजरेटर के दो अवयवों के लिए अलग रहती है? कारण एक दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए, ऑप्शन बी है वायु को फ्रोजन फूड कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कारण है भाई? कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए भी और वायु को फ्रोजन फूड कंपार्टमेंट में भेजने के लिए भी, जो के लिए लिख रखा है बीच में भेजने भी है, तो ए और बी दोनों ही इसके अप्रोप्रिएट हैं। बताइए सवाल दोस्तों कितने इजी आ रहे हैं, इतने इजी भी सवाल हो सकते हैं क्या, जितने इजी सवाल आ रहे हैं ये?
तो ऐसे सवाल आ गए तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, और यकीन माने ऐसे ही सवाल आएंगे। इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, ऐसे ही सवाल पूछ सकता है, इसी लेवल के सवाल पूछ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि यही सवाल आएगा, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा लेवल यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला लेवल। 27वां सवाल देखो, निम्न में से रेफ्रिजरेटर के टर्मिनल पेयर के साथ सील्ड बॉक्स में लगाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है? अभी बता रहा था मैं आपको कौन सी होती है भैया, ऑप्शन ए डीफ्रॉस्ट टाइमर होती है, या ऑप्शन बी डीफ्रॉस्ट हीटर होती है, ऑप्शन सी बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट है, या फिर पीटीसी रिले है। तो क्या हो जाएगा, बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट जो है उसको रेफ्रिजरेटर के टर्मिनल पेयर के साथ सील्ड बॉक्स में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम 28वें सवाल में। 28वां सवाल, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, दिख रहा होगा आप लोगों को, और पूछा गया है कि जो डिवाइस है ये डिवाइस क्या चीज़ है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको अलग अलग, जैसे बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट, आपने अभी भी देखा था बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट कैसा होता है, तो क्या आपको ये बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट लग रहा है, ये नहीं है। दूसरा होता है डीफ्रॉस्ट टाइमर, तीसरा है डीफ्रॉस्ट हीटर, और चौथा है फैन मीटर, फैन मोटर। तो ये क्या है, ये है डीफ्रॉस्ट टाइमर। ये आप सबने एग्जाम रेफ्रिजरेटर के अंदर देखा होगा, फ्रिजों के अंदर अपने घरों में के डीफ्रॉस्ट टाइमर लगा होता है। ये क्या काम करता है, ये हीटर से कनेक्टेड रहता है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल को कुछ समय के अंतराल, लगभग 8 समय के अंतराल पर क्या करता है, वापस से वर्किंग करवाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल की। तो ये था आपका 28वां सवाल, इसका आंसर है डीफ्रॉस्ट टाइमर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी डिवाइस ई वेपोरेटिंग कॉइल के साथ लगी रहती है? ऑप्शन ए डीफ्रॉस्ट हीटर लगा रहता है, ऑप्शन बी डीफ्रॉस्ट टाइमर लगा रहता है, ऑप्शन सी फैन मोटर, या ऑप्शन डी पीटीसी रिले। तो ई वेपोरेटिंग कॉइल के साथ हमेशा और हमेशा दोस्तों डीफ्रॉस्ट हीटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, डीफ्रॉस्ट हीटर लगा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, भाई सवाल ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए डीफ्रॉस्ट हीटर। चलिए 30th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, रेफ्रिजरेटर से चित्र में प्रदर्शित युक्ति की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए फैन मोटर, ऑप्शन बी पीटीसी रिले, ऑप्शन सी ओवरलेड प्रोटेक्टर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो युक्ति दिख रही है आपको चित्र में, ये क्या है, आपकी पीटीसी रिले है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे के सवाल करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।